हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे, उपविषय लेन देन का खेल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, 10-10 की छलांग लगाते हुए गिनकर हल करें। एक आपके लिए पहले से किया गया है, तो आप देखेंगे 46 - 27 = तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19। और ये देखिए किस तरह से किया गया है, 27, 27 से 10 की छलांग लगाई, 37 पे पहुँचे, 37 से फिर 10 की छलांग लगाई, 47 पर आ गए, और 47 में से 46 घटाना है तो कितना 1 घटेगा। इस प्रकार 46 में से 27 घटाने पर आया 19। ख देखते हैं, ख में लिखा है 50 - 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब इसको कैसे करेंगे, 35, 35 से 10 की छलांग लगाएंगे 45, 45 से फिर 10 की छलांग लगाएंगे 55 पर आएंगे, 55 50 घटाएंगे 5, तो यहाँ पर 10-10 की 2 छलांग घटा 5, कितना आया 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग ग को भी इसी प्रकार करेंगे, 70 - 40 = होता है 30, तो यहाँ पर हम 40, 40 से 10 की छलांग लगाएंगे 50, फिर उसमें 50 से 10 की छलांग 60, 60 से 10 की छलांग 70, तो यहाँ पर 70 आ गया है। फिर हम इसे जोड़ेंगे 10, 20, तो ये 10-10 की छलांग को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और हमारा आंसर आएगा इसमें 30। घ 75 - 56 = तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19। अब कैसे 19 आया देखिए, 56 में 10 जोड़ेंगे 66, 66 में 10 जोड़ेंगे 76, ये सभी 10-10 की छलांग लगाकर 76 हो जाएगा। अब 76 में से 75 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो 10 - 10 - 1 तो आ जाएगा 19, तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर आया था 19। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, त्रिभुज को प्रत्येक भुजा पर दिए गए अंक को जोड़ त्रिभुज के बीच में दी गई संख्या के बराबर होना चाहिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम त्रिभुज की भुजा पर दी हुई संख्याओं को जोड़कर बीच वाली संख्या से घटाएंगे, और जो आंसर जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। चलिए करते हैं, क करते हैं। क में आप देखते हैं बीच में 12 है, तो हमें जो भी जोड़ेंगे उसे 12 से घटाना होगा तभी हमारा उत्तर आएगा। हम 7 - 2 = 9 हो जाएंगे, और 9 को 12 में से घटाएंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब दूसरी तरफ देखते हैं, इधर आएंगे 7 - 4 = 11 हो जाएगा, 12 में से घटाएंगे 11 तो 1 आएगा। अब नीचे देखते हैं, 2 - 4 = 6 हो जाता है, और 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, तो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई इधर 3, इधर 1 और इधर 6। चलिए ख करते हैं। अब ख में हम करेंगे 6 और 2 = 8 हो जाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो फिर 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ऊपर से 6 और 5 नीचे के जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 15 में से 11 घटाने पर 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, 2 से 11 तक की संख्या का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्या इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक लाइन में लिखी संख्या का जोड़ 20 हो। अब आप देखेंगे कि 2 से 11 तक की संख्याओं का प्रयोग करना है, और जो यहाँ पर लुप्त संख्या है उसे हमें ज्ञात करना है, और प्रत्येक लाइन का जोड़ 20 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 संख्या दी हुई है उन्हें जोड़कर 20 से घटाएंगे। तो पहली लाइन में देखते हैं, 8 और 2 = 10 दिया हुआ है, इसे 20 से घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ हम 10 लिखेंगे। अब दूसरी लाइन में आ जाते हैं, 4, खाली बॉक्स में उचित संख्या भरें। आप देखेंगे 90 को विभाजित किया गया है, एक तरफ 50
तो दूसरी तरफ कितना आएगा, यहाँ हम 40 लिखेंगे। फिर दूसरे बॉक्स में एक तरफ 10 है तो दूसरी तरफ हम 80 लिखेंगे। फिर इधर 30 है तो 90 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 60। अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 90 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। ख करते हैं इसी प्रकार ख। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिए गए सवालों को हल करें। क 245 जमा 258, अब इसे जमा करेंगे, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1 आएगा, 4 और 5 9 और 1 10 की 0, और फिर हासिल 1 चला जाएगा तो 1 2 3 और 2 5, तो यहाँ उत्तर आएगा 503। तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए ये बाकी के सवाल हल कर दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से सवाल कर सकेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।